हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में मेरे पास एक फ़ोन है जिसे मैं अगर कनेक्ट करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक जो वोल्टेज है वो ड्रॉप कर रहा है। हमने इसे 4.2 वोल्टेज दिया है लेकिन ऑटोमेटिक वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो रहा है। तो जिस फ़ोन में भी अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा हो उसमें 80% चांसेस होता है कि कैपेसिटर कोई जो है वो शॉर्ट होगा प्राइमरी लाइन में लगा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेप में कोई कारीगर आपको जो है वो देखेगा इस फ़ोन को तो वो यही समझेगा कि आईसी ख़राब है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मैं आपको पूरा फॉल्ट फाइंडिंग करके बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप किन चीज़ों को ध्यान में रख के आप फॉल्ट की फाइंडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये इस फ़ोन का हीट हो रहा है काफ़ी, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पर काफ़ी हीट हो रहा है फ़ोन। तो यहाँ पे पहले तो हमें जहाँ पे भी हीट हो रहा है वहाँ पे शॉर्टिंग चेक करनी है। अब शॉर्टिंग में क्या करना है, आपको फ़ोन को कनेक्ट करना है डीसी पावर सप्लाई से, ब्लैक पोल को ग्राउंड करना है और रेड पोल से आपको जो है ना चेक करना है। आपको आसपास में कोई भी कंपोनेंट जो है वो मिलेगा जिसमें आपको ये लगेगा कि हाँ यहाँ पर शॉर्टिंग है, मतलब बीप दोनों साइड आएगी डीसी पावर सप्लाई पर और रेड पोल आपको जो है ना वो उस कंपोनेंट पे ही लगाना है। अगर आप ब्लैक पोल लगाओगे तो आपको रीडिंग मतलब कंटिन्यूसली दोनों साइड बीप मिलेगी, वो यहाँ पे रेड आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि वो कोई कंपोनेंट है जो मुझे मिल जाए जिस पे मेरा डाउट चला जाए कि हाँ ये लाइनिंग में प्रॉब्लम है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर देखिए कोई ऐसे कॉम्पोनेंट जो है वो नज़र नहीं आए। तो अब स्टेप मैथड टू यूज़ करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरिया पे रोजिन लगाना पड़ेगा और फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है। तो अभी हम यहाँ पे देखिए रोजिन लगा लेते हैं फटाक से पूरा। अभी डीसी पावर सप्लाई को डिसकनेक्ट कर देंगे यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है कि इस सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो हम फटाफट से जो है ना यहाँ पर रोजिन लगा देते हैं और आप देखिए रोजिन लगाने के बाद जो है ना यहाँ पर वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है मैंने। आप इस तरीके से मतलब रोज़िन लगा सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आकाश रोज़िन को किस तरीके से जो है वो लेआउट करे। तो देखिए ये चीज़ें प्रैक्टिस से आपको सीखने को मिलती है, इसकी कोई ट्रिक्स नहीं होती। जब आप ऐसे फटाक से डूबोगे फटाक से अगर आईसी के या जिस कंपोनेंट जिस एरिया पे आप करना चाहते हो रोज़िन उस एरिया पे इस तरीके से डिप करोगे ना तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि जो इसमें से जो स्मोक निकलते हैं हवा धुआं निकलता है ना उसका वेट ज़्यादा होता है। तो अगर वो फटाक से नीचे चली गई और वहाँ पे वो तुरंत जो है वो चिपक जाएगी तो उस एरिया को जो है ना पूरा वाइट कर देगी। तो अब हमने यहाँ पे रोज़िन जो है वो प्लग कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ देखिए कि अगर हम अभी इस पर डीसी पावर सप्लाई ऑन करता हूँ मैं और चेक करते हैं कि वो फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है जिसमें फटाक से जो है वो ग्लो हो जा रहा है। तो अगर यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊं तो देखिए धीरे धीरे करके जो है ना आईसी हीट हो रही है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, देखिए आईसी जो है ना वो हीट हो रही है और उसके बाद वो पूरा एरिया हीट हो रहा है, यानी कोई फर्स्ट कंपोनेंट नहीं है। यहाँ पे अक्सर कारीगर को लगता है कि आईसी ख़राब है। स्लो मोशन में आपको दिखाता हूँ, देखिए अक्सर कारीगर की थिंकिंग यही होती है कि यार आईसी ख़राब है या उसके बाजू में लगा हुआ कॉइल ख़राब है क्योंकि कॉइल ग्लो हुआ है और आईसी ग्लो। लेकिन गाइज रोज़िन मेथड जो है ना अगर आप यूज़ कर रहे हो तो रोज़िन मेथड में वो फर्स्ट कंपोनेंट ग्लो होना चाहिए जो ख़राब होगा। अगर वो पूरे एरिया को ख़राब कर रहा है तो इसका मतलब पूरा ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब वो लाइनिंग का प्रॉब्लम होगा या हो सकता है फ़ोन वाटर लॉक्स हो, आईसी के नीचे जो है ना वाटर लॉक्स हो तो उसकी वजह से वो पूरा एरिया जो है वो ग्लो होगा। तो यहाँ पर इस फ़ोन में पूरा एरिया जो है इसका देखिए काफ़ी मतलब यहाँ पे इस पोर्शन से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद पूरा एरिया कोई एक कंपोनेंट नहीं ग्लो हुआ बल्कि पूरा एरिया। अब उसके बैक साइड में हमने देखा तो ये पतरा है। अब अक्सर कारीगर को लगता है कि यार पतरा निकाले बिगर ही काम हो जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। कभी कभी क्या होता है जो पतरे का कोना होता है वहाँ पर लगे हुए कैपेसिटर्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप पतरा निकालना जो है ना खुद से सीखना होगा, आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहनी है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर जो है ना आप पतरा निकालना भी जो है आसानी से सीख पाओगे। तो अभी हमने इस फ़ोन का पूरा पतरा उतरा निकाल दिया था सब कुछ और बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि आकाश पतरा निकालना नहीं दिखाया। तो मैं आगे वीडियोज़ बनाऊँगा उसमें आपको दिखाऊँगा कि किस थिंकिंग के साथ जो वो पतरा निकाला जाता है। तो यहाँ पर इसे हीट स्टार्ट हुई थी इस कॉइल के पास से।
तो जाहिर सी बात है इस कॉइल में लगे हुए कंपोनेंट में फॉल्टी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास सेमेटिक होगी तो मैं समझ जाऊँगा, बट इसका वहाँ से स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो कैपेसिटर्स जो है देखिए वहाँ सेफ है, वहाँ पे रोजिन नहीं गिला हुआ है, बल्कि ये जो कैपेसिटर है हमारा, इस कैपेसिटर पे रोजिन जो है वो गल गया है। ठीक है, अब रोजिन जो है वो गल गया है, तो इसका मतलब देखिए मैंने आपको बताया ना कि रोजिन पूरे एरिया में नहीं, वो फर्स्ट कंपोनेंट होगा जो फॉल्टी होगा, उस कंपोनेंट को ग्लू करना चाहिए, मतलब वो कंपोनेंट गल जाना चाहिए। तो ये जो लाइन है, इस लाइन में लगा हुआ कंपोनेंट था वो, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए ये देखने, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक्चुअल में वहाँ पे वाटर लॉक्स था जिसकी वजह से वो कैपेसिटर, देखिए ये साइड भी बीप आ रही है और ये साइड भी बीप आ रही है। तो ये जो लाइन है, ये पहले मुझे वो कंपोनेंट पे डाउट हुआ, लेकिन जब मैंने उस लाइन को चेक किया तो मुझे पता चला कि हाँ रोजिन लगाने के बाद कि ये कंपोनेंट हमारा फॉल्टी है, दोनों साइड बीप की साउंड्स आ रही थी। तो हमने क्या किया, रोजिन भी ग्लो हुआ, तो मेरा शक जो है वो 100% चले गया उस कैपेसिटर्स पे। कैपेसिटर को वहाँ से रिमूव करेंगे और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप जो है ना प्रोसेस, देखिए मेरा डाउट जो है ना यहाँ पे क्लियर हो गया कि यही कैपेसिटर फॉल्टी है, और उसके बाद फ़ोन 100% जो है वो चालू हो जाएगा। लेकिन गाइस देखो, बहुत सारे कारीगर जो है ना वो क्या करते हैं कि आईसी को हीट कर देते हैं, आईसी को ख़राब कर देते हैं, या कहीं पे भी उल्टा सीधा हीट मारने लगते हैं, मतलब चिप लेवल पे काम हो गई। अब कोशिश करो पहले चीज़ों को समझने की, जब आप समझ लोगे तो आप उसे अप्लाई करो और फिर करने की कोशिश करो, क्योंकि यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं, देखिए बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया, मैंने भी पहले बताया कि हिट करके देख लो ये चीज़ें, लेकिन वो एक सिचुएशन पे आपको करना है, जब आप मतलब कोई रास्ता ना बचे तो वो सब रास्ते यूज़ करना। अब यहाँ पे अगर मैं आ चाहता तो आईसी निकालता, उसे रिवॉल्व करता और फिर तो भी नहीं रिजोल्यूशन होता। तो जब तक आपसे हो सके तब तक एंड तक ट्राई करो, मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि एंड तक ट्राई किया जाए, जब नहीं होगा तो हमें वही करना पड़ेगा जो हम नहीं करना चाहते हैं, मतलब चीज़ें जो है और तो अच्छे तरीके से फिर देखनी पड़ेगी। और उसके बाद देखिए अभी फ़ोन की शॉर्टिंग जो है वो चली गई और फ़ोन जो है वो पूरी तरीके से रिपेयर हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो पूरा ऑन हो चुका। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।